हेलो एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सो गाइस, व्हाई डू वी कॉल इट सिंपल सेंटेंसेस? बिकॉज देयर इज नो एनी एक्शन, इसमें कोई काम नहीं होता है। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी, कंडीशन, सिचुएशन, सो दैट टाइम वी फॉलो सिंपल सेंटेंस रूल। हम लोग सिंपल सेंटेंस के रूल फॉलो करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस रूल। सो व्हाट्स द रूल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस? सब्जेक्ट इज हमार एंड ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, जब हम लोग बात करते हैं सो थ्री टाइप से बात करेंगे। चाहे प्रेजेंट की बात करते हैं या तो पास्ट की या फ्यूचर की। सो देयर आर ऑल्सो थ्री कंडीशन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज is, am, are, was, were and will be। so guys, मैंने यहाँ एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिसको जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो is, am, are या was, were के यूज में, सो वो उनको इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं और लर्न करना है आपको ये चीज कि he, she, it and with singular number for present आप यूज करेंगे इसका you, we, they and you, we, they and plural subject आप यूज करेंगे plural number के साथ आर एंड प्रेजेंट टेंस के लिए, एंड आई के साथ आप एम का यूज करेंगे, एंड पास्ट के लिए आप वॉज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर ही शी इट एंड सिमिलर नंबर के साथ आप वॉज का यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए विल बी का यूज करेंगे, यू वी दे एंड प्लूरल नंबर पास्ट के लिए आप वर का यूज करेंगे, एंड आई के साथ आप वॉच का यूज करेंगे पास्ट के लिए। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका ये चेंज होता रहता है, इज एम आर वॉज वर, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की या फ्यूचर की। सो आज मैं आपको प्रेजेंट सेंटेंस बताऊंगी, प्रेजेंट सेंटेंस के बारे में कि जब सब्जेक्ट, फर्स्टली सब्जेक्ट, हम लोग प्रेजेंट सेंटेंस में आपके जो रूल्स होंगे आप सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है सो आफ्टर इज एम आर आप नॉट का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव है आप इज एम आर जस्ट बिफोर सब्जेक्ट, आप इज एम आर का यूज सब्जेक्ट के पहले करेंगे गाइज, एंड देन सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि इज और नॉट या एम नॉट को साथ में ज्वाइन करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जैसे इजेंट, आरेंट, एमेंट, तो आपकी जो लैंग्वेज है उसमें फ्लो आएगा। That's a rule। And so guys, for example, हम लोग बात करते हैं कि वह लड़की बहुत सुंदर है, so that girl is very beautiful। तो हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, इसमें हम लोग क्वालिटी बताते हैं, तुम बहुत चालाक हो, you are very clever। So यह घर तुम्हारा है, this is your house। तो हम लोग इसमें कोई काम नहीं करते हैं, बस हम लोग क्वालिटी, वे डॉक्टर हैं, तुम मेरे मित्र हो, मेरे पापा हैं, मेरा घर दूर है, मम्मी कहाँ है, मम्मी वेयर इज मम्मी। तो आप जब कोई काम नहीं करते हैं आप सिचुएशन, कंडीशन, क्वालिटी, कमरे में चार लोग बैठे हैं, ग्लास में थोड़ा पानी है या ये बर्तन गंदा है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, so that means these are simple sentences, ये simple sentences होते हैं। so for example according to, अगर आप WH word क्या होता है, that's आपके question words होते हैं, कौन, कब, कैसे, किसने, किसका, तो ये question word होते हैं। अगर आपके question, आप question करते हैं और आप उसका answer yes और no में दे सकते हैं, so that time you don't use WH word, आप WH word का use नहीं करेंगे, just only before subject आपको is, am, are का use करना है and then object, okay? so for example तुम पेटू हो, आपका फॉर ये सेंटेंस है तुम पेटू, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, किसके बारे में पेटू, कौन है, तुम हो, सो तुमको आपका यू है, अकॉर्डिंग टू यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंट सेंटेंस है तो आर, यू के साथ आप आर का, तो सबसे पहले आप यू देन आर, यू आर क्या है, पेटू हो तो ग्लटन, यू आर ग्लटन, तुम पेटू नहीं हो, अगर तुम पेटू नहीं हो निगेटिव सेंटेंस, सो
that you are not glutton. क्या तुम पेटू हो? So क्या तुम पेटू हो आप कह सकते हैं yes या no. So before subject आपको क्या use करना है? Is am are को subject के पहले use करना है. So are you? Are you glutton? क्या तुम पेटू नहीं हो? अगर आपने contracted form का use किया है तो aren't you? Aren't you glutton? Aren't you glutton? Both are. अगर आप कहेंगे are you not glutton? वो भी सही है. अगर आप कहेंगे aren't you glutton? ये भी सही है. इसी में अगर आपने question word कर तुम पेटू क्यों हो? तो क्यों हो? अब आप इसमें yes और no में answer नहीं दे सकते. आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हो पेटू. तो कहें why. आपका क्यों के लिए why question word होगा. तो then why? Why are you? Why are you glutton? क्वेश्चन आपका है कौन पेटू है? कौन पेटू है? So that time आप who के साथ are का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है कि कौन पेटू है. So who के साथ आप हमेशा is का यूज करेंगे. Who is glutton? Who is glutton? तो देखा गया जहाँ आपका वन सेंटेंस ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होती कि आपने वन सेंटेंस को आपको चेंजिंग जो रूल्स की चेंजिंग स्ट्रक्चर का जो चेंजिंग रूल होता है उसको आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आपको निगेटिव में कैसे बोलना है. इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे, अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो दैट टाइम हाउ विल यू चेंज योर रूल्स. ओके सो तुम पेटू. अब आप इसको यू आर ग्लटन आपने अफर्मेटिव में यू आर ग्लटन देखिए वही सेंटेंस चेंज हो रही. यू आर नॉट ग्लटन. आर यू ग्लटन? क्या तुम पेटू हो? क्या तुम पेटू नहीं हो? आर यू नॉट ग्लटन? आरेंट यू ग्लटन? तुम पेटू क्यों हो? व्हाई आर यू ग्लटन? कौन पेटू है? हु इज ग्लटन? सो दैट टाइप आप ऐसे ही सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे. आपने वन सेंटेंस या खाना बासी है. दिस फूड इज स्टेल. This food isn't stale. Is this food stale? Which food is stale? Whose food is stale? किसका खाना बासी? Whose food is stale? तो आप किसका घर है? Whose house is this? या pen किसका है? Whose pen is this? या chair किसकी? Whose chair is this? तो आप ऐसे practice करेंगे. इन sentence में कोई काम नहीं होता है. जब हम लोग कहते हैं कि where is mummy? Mummy is in the room. There is no mummy. Oh, she will be अप स्टेयर तो वो कमरे में होंगी ऊपर वाले. ओके आप मैंने गाइस आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिंपल थिंग थोड़ी ट्रिकी होती है. इसमें जब आप बात करते हैं कि कुर्सी टूटी है सो चेयर इज ब्रोकन. आपने कहा चेयर इज ब्रोकन. चेयर इज ब्रोकन. तो यहाँ जो ब्रोकन वर्ड है आप कहेंगे ये तो एक्शन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सो यस गाइस बट यहाँ पर चेयर कोई काम नहीं कर रही है. चेयर की विशेषता बताई, दशा बताई जा रही है कि कुर्सी कैसी है, टूटी हुई है. तो जब हम लोग किसी एक्शन यानी किसी काम को उसकी विशेषता बना देते हैं उस टाइम पे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. जैसे ये मेरा हाथ जला हुआ है सो माई हैंड इज बर्न्ट. आपका बर्न मीन जलाना होता है तो जलना, जला हुआ, बर्न्ट, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट. सो बर्न्ट, माई हैंड इज बर्न्ट, चेयर इज ब्रोकन एंड माई क्लॉथ इज टॉर्न, टेयर, टॉर्न, टॉर्न. आपका थर्ड फॉर्म है. तो अगर मेरा कपड़ा फटा हुआ है सो माई क्लॉथ इज टॉर्न, आप टॉर्न का यूज करेंगे. सो दैट टाइम आपको ये समझना चाहिए कि आप को ये ध्यान देना कि यस दिस इज एक्शन बट सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन. सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है सिंपल सेंटेंस में.
लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट, हर चीज में आप हर जगह ये रूल्स फॉलो नहीं, कहीं माइनर होता है, एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे मैं खड़ी हूं तो मैंने अपनी स्थिति बताई, मैं क्या, मैं बैठी नहीं हूं, मैं खड़ी हूँ। सो आई एम नॉट सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग। सो दैट टाइम मैं थर्ड फॉर्म का, मैंने एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया है। तो ऐसे गाइस थोड़ा सा हल्की सी ट्रिकी चीज, कुछ चीजें होती है जो ट्रिकी होती है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और रूल्स को समझेंगे, उनका यूज करेंगे, तो वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और मैं अपने आगे के वीडियो में जब प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगी तो मैं इन चीजों को डिटेल में क्लियर कर करूंगी। ओके, सो फॉलो दीज रूल्स एंड आप अपने माइंड में ऐसे 50 सेंटेंस सोचिए जिसमें आपका कोई काम, मतलब कोई एक्शन ना हो रहा हो, और उसको गाइज ट्रांसलेट करिए जस्ट लाइक दिस, कि आपने वन सेंटेंस ट्रांसलेट किया, उसको रटिए नहीं सेंटेंस को, क्रैम, कितने कुछ सेंटेंस होते हैं जो क्रैम किए जाते हैं, प्रोवर्ब या कुछ, लेकिन आप हर चीज को क्रैम नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्टली यूज थिंक, फोकस ऑन ग्रामर, देन चेंजिंग रूल एंड देन जस्ट प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।